हम ये मंदिर को पार्ट्स को एक एक पार्ट में असेंबल करते हैं। क्या करते हैं? एक एक पार्ट को जोड़ने का काम करते हैं। ये बेस तैयार करके ऐसे बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं इसमें लाइट वगैरह भी लगी है। अगर आप ये पूरा मंदिर मॉडल कंप्लीट कर गया है, ये देखिए आप कितनी भव्यता से बढ़िया से ये एक मंदिर जो तैयार हो चुका है। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल प्रभु भक्ति में। मैं हूं आपके साथ अश्विनी पांडे। प्रभु श्री राम का मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो चुकी है। लगातार श्रद्धालुओं का अयोध्या में जमावड़ा है। लगातार श्रद्धालु अपने रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी बीच में हम आपको ले आए हैं जो राम मंदिर का मॉडल है वो दिखाने के लिए कि कैसा बनता है। हमारे आप हाथ में देख सकते हैं ये राम मंदिर मॉडल है, लेकिन ये बनता कैसे है आज हम आपको दिखाएंगे। ये बनता कैसे है, इसमें क्या क्या लगाया जाता है और इसका प्राइस क्या है। अयोध्या में एक फैक्ट्री लगाई गई है शहादतगंज में, जहाँ पर यह राम मंदिर मॉडल बनाया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या ये लिखा हुआ है बकायदा। इसमें लाइटिंग वगैरह लगाई गई है, छोटे से बड़े तक यहाँ पर राम मंदिर मॉडल बनाए जाते हैं। जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कारीगर हैं उनसे भी बात कराने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पे मालिक हैं उनसे भी बात कराने की कोशिश करेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बनाया जाता है और एक दिन में लगभग कितने राम मंदिर मॉडल तैयार किए जाते हैं और उनकी क्या संख्या है, कितनी बिक्री होती है, क्या दाम रखे गए हैं, छोटे छोटे मॉडल के क्या दाम रखे गए हैं, कितने इंच के वो राम मंदिर मॉडल रहते हैं और कहाँ कहाँ पर ये सेल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर इन्होंने ये दे रहे हैं, उन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हम आइए ले चलते हैं आपको अंदर, दिखाते हैं कि किस प्रकार से राम मंदिर मॉडल जो है वो बनाया जा रहा है और यहाँ पर जो कारीगर हैं वो काफ़ी मेहनत से कर रहे हैं। आपको बताते चले एक संक्षिप्त रूप में, तो पहले इसकी लेज़र कटिंग होती है, जैसा भी हमने ऑफ कैमरा पर देखा है, थोड़ा जानकारियाँ ली हैं यहाँ पे, वैसे हम आपको बताते चले कि यहाँ पर पहले लेज़र कटिंग होती है, उसके बाद यहाँ पर जोड़ा जाता है, फेविकोल लगाया जाता है उसमें, किसी प्रकार से जिस प्रकार से जोड़ना चाहें यहाँ से जोड़ सकते हैं। उस पर लाइटिंग लगाई जाती है, बिना लाइटिंग के भी राम मंदिर हैं मॉडल हैं। और यहाँ पर जो कुछ मॉडल ऐसे हैं जिसमें लाइटिंग लगाकर उसको भी बहुत ही खूबसूरत बनाया जाता है। उन्हीं आइए हम आपको जो यहाँ के ओनर हैं मालिक हैं उन तक ले चलते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या विचार है उनका। तो दोस्तों, हम ले आए हैं आपको उस कारखाने में जहाँ पर राम मंदिर मॉडल तैयार किया जा रहा है। छोटे से बड़े मंदिरों को यहाँ राम मंदिर के मॉडल जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये अभी हम आपको दिखाए थे बड़ा मंदिर, लेकिन ये छोटा मंदिर है, छोटे साइज में मंदिर है। ऐसे कई मंदिर हैं यहाँ पर राम मंदिर मॉडल जो हैं तैयार किए जा रहे हैं। कितनी खूबसूरती से, कितनी इसकी खूबसूरती से नक्काशी करके इसको बनाया जा रहा है, लेज़र कटिंग के द्वारा इसको काटा गया है और यहाँ पर कारीगर जो हैं वो लगातार इसको बना रहे हैं। जो यहाँ के ओनर है वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका। लगभग यहाँ पर आप ये कारखाना डाले हैं, राम मंदिर मॉडल तैयार कर रहे हैं, क्या विचार आया आपके मन में कि हमें राम मंदिर मॉडल तैयार करना चाहिए? सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा। नहीं, हम अयोध्या वासी होने के नाते और जो है प्रभु श्री राम जी का इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है और उसको देखते हुए हमने ये मतलब मेरे दिमाग में आया कि हम क्यों ना एक इसको मॉडल के रूप में बनाएं और मॉडल के रूप में बना के इसको जो है घर घर तक पहुंचाएं। जी सर, क्या यहाँ पर आपके कारखाने में कितने बड़े, कितने इंच से लेकर कितने बड़े राम मंदिर मॉडल तैयार किए जाते हैं और क्या क्या उनका दाम है और किस तरीके से यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं? मेरे पास एक 4 इंच बाई 2.5 इंच से स्टार्ट होके फिर इसके बाद जो है मैक्सिमम 8 फीट बाई 4 फीट तक मंदिर का मॉडल बनाते हैं। अच्छा, मतलब इंच से शुरू होता है, फिट तक जो है इसको कंप्लीट करते हैं। सर, हम एक बार अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरीके से इसकी बनावटी होती है, किस तरीके से इसको कितनी सुंदरता से भव्यता से बनाया जाता है, दिखाने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, ये जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जी, ये अभी मशीन हमारी ये मॉडल को कटिंग की है जी। ये मशीन हमारी लेजर मशीन अभी ये मंदिर ये मॉडल को कंप्लीट मतलब कटिंग की है जी, जी, जी। इस तरह से ये जो है ये काट के निकालता है जी। ये कटिंग होने के बाद फिर इसको जो है मैन्युअली इसको जोड़ा जाता है, जैसा कि ये देखिए आप यहाँ पे लगे हुए हैं लोग इसको बना रहे हैं जी। जैसे देख रहे हैं आपकी ये मॉडल, जैसे आपने कटिंग हुआ देखा, कटिंग के बाद इसको हाथ से एक चीज को इसको बनाया जाता है जी। पहले बेस हम ग्राउंड, फिर इसके बाद जो है फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, फिर लास्ट में हम जो है इसको एक कंप्लीट फाइनल रूप देते हैं।
लगभग कितने कारीगर आपके हैं यहाँ पर, जो क्योंकि एक बहुत बारीक से इसको जोड़ा जाता है, क्या कुछ कितने कारीगर परफेक्ट कारीगर आपने लगाए हुए हैं इसको बनाने में? देखिए इसे बनाने में हमारे पास 20 से 22 लोग हैं जो कि काम करते हैं, और काफी जो है इनको जो हमारे अगल बगल के जो औरतें हैं जो कि जिनके हस्बैंड सुबह अपना काम पे चले जाते हैं तो वो अपना समय से आती मतलब आती है यहाँ पे मंदिर का मॉडल बनाती, फिर शाम को 5 बजे अपने घर चली जाती है। तो कई लोगों को हमने इसमें रोजगार दिया हुआ है और काफी उनको अच्छा लगता है कि हम प्रभु श्री राम जी का राम मंदिर का मॉडल हम बना रहे हैं जी। ये अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, फ्लोर तैयार किए जा रहे हैं। इनको जोड़ने में किस चीज का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनको चिपकाया जाता है, तो किस चीज का उपयोग किया जाता है इसको चिपकाने में? देखिए इसका जो रॉ मटेरियल है हमारे पास ये तो न्यूजीलैंड से आता है जी। इसके बाद जब ये कटिंग होने के बाद पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, इनको जो मैन्युअली जोड़ा जाता है तो इन्हें हम पॉलीफिक्स बॉन्ड से जो है इसको जोड़ते हैं। तब क्योंकि हमने कई बॉन्ड का इस्तेमाल किया लेकिन उसमें हमें उतना मतलब मजबूती नहीं आई जितना हमें जो है, फिर हमने बाद में लास्ट में पॉलीफिक्स जब हमने यूज किया तब इसमें जो है इसकी मजबूती हमें अच्छी दिखाई पड़ी जी। ठीक है सर, धन्यवाद। और आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ पर कई प्रकार से चीजें की जा रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी बाई छो की तरफ यहाँ पर एक भाई साहब हैं। ये क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? ये श्री राम जन्मभूमि अयोध्या लिख रहे हैं, किस प्रकार से लिख रहे हैं इसको आप? ये लेटर चपका रहे हैं, इससे बेस तैयार होगा और बेस तैयार होके ऐसी तरह बनेगा। अच्छा, ये बेस तैयार करके ऐसे बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं इसमें लाइट वगैरह भी लगी है। अगर आप इसको देखना चाहें तो इसको खूब इस मंदिर को मॉडल को खूबसूरती देने के लिए इसमें लाइट का भी उपयोग किया गया है कि इसमें बहुत ही सुंदरता आ जाए। और भी हम ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए ये लाइट पूरा कंप्लीट हो गया है, ये ग्लास वगैरह लग के ये पूरा मंदिर मॉडल कंप्लीट कर गया है। ये देखिए आप कितनी भव्यता से बढ़िया से ये एक मंदिर जो तैयार हो चुका है, ये हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कितनी भव्यता से ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या का मॉडल, भव्य मॉडल यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसका क्या प्राइस होगा, इसका क्या दाम होगा? ये 2000 रुपये का लगभग, समथिंग 2000 रुपये का ये एक मॉडल है। आप लोग देख सकते हैं, इसको रख दीजिएगा आप। और हम ले चलते हैं, आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये जोड़ रहे हैं, उसके बाद वहाँ पर फाइनली बेस तैयार करके ये शीशा लगा के उसमें फाइनली मंदिर को फाइनली एक देते हैं, रोल देते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ा जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं भैया आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सर हम ये मंदिर को पार्ट्स को एक एक पार्ट असेंबल करते हैं। क्या करते हैं? एक एक पार्ट को जोड़ने का काम करते हैं यहाँ। एक एक पार्ट का जोड़ने को काम करते हैं। कितने बारीकी से, कितना मेहनत लगता है आपको, कितना समय लगता है एक एक पार्ट को जोड़ने में, असेंबल करने में? सर मेहनत तो बहुत लगता है लेकिन छोटे छोटे पार्ट हैं जो बहुत मेहनत लगता है सर। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं ये पार्ट्स को असेंबल कर रहे हैं, यहाँ पर भी पार्ट्स को असेंबल किया जा रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल किया जा रहा है। कहीं यहाँ पर खराब भी होते हैं और भी बहुत सारे मंदिरों को यहाँ बनाया जा रहा है, यहाँ से खरीद सकते हैं और उनको ले जाके अपने घर में सजा सकते हैं, रख सकते हैं, एक आपकी घर की ये शोभा बढ़ा सकता है। ये जो राम मंदिर मॉडल है अयोध्या का वो बहुत शोभा से बढ़ा सकता है। आपको मैंने एक मशीन दिखाया जहाँ से लेज़र कटिंग होती है, उसी मशीन से कटिंग करने के बाद ये लोग उसको बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से जोड़ते हैं और बनाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए, नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।